दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल सरकार के एमसीडी को 13,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं देने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में रोहतास नगर विधानसभा के चारों वार्डों में जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ। रोहतास नगर विधानसभा में कबूल नगर चौक पर इस प्रकार का एक प्रदर्शन में रोहतास नगर मंडल के अध्यक्ष राजेश सिंह, निगम पार्षद श्रीमती सुमनलता नागर, पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मवीर नागर, उपाध्यक्ष विशाल अरोड़ा, पूर्व उप महापौर दिव्या जायसवाल, महामंत्री अशोक जैन, मंडल प्रभारी कृष्ण गोपाल एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन उपवास रखकर केजरीवाल सरकार के एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ रुपए की मांग की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भाजपा रोहतास नगर मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर कितने रोष में हैं। कार्यकर्ताओं ने जमकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा, निगम का पैसा वापस दो, और अपना रोष जाहिर किया। आज ये रोहतास नगर में ही नहीं, पूरी दिल्ली में है, हर पूरी दिल्ली में उपवास रखा गया है। और हमारे जो 13,000 करोड़ रुपया है वो हम केजरीवाल जी के से लेके रहेंगे। और आपको पता है 10-11 दिन से जो हमारे नेता हैं, मेयर हैं, स्टैंडिंग कमेटी हैं, वो केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे हैं, लेकिन केजरीवाल जी एक बार भी बाहर निकलकर नहीं आए हैं, ना उनके सिर पर जू रहेंगी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी क्या चाहते हैं? क्या एमसीडी को पंगू बनाना चाहते हैं? क्या हम उनसे भीख मांग रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, और ये केजरीवाल की एक साजिश है कि दिल्ली के अंदर विकास कार्य ना हो, नगर निगम, सफाई, डॉक्टर्स की तनख्वाहें, टीचर्स की तनख्वाहें, नर्सेस की तनख्वाहें, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें ना दे पाए, उसके एक साजिश है। अब नगर निगम किसका पैसा मांग रही है? नगर निगम वो पैसा मांग रही है जो हम लोगों ने अपने टैक्स के रूप में राज्य सरकार के पास गया है, उसमें नगर निगम का पूरा हिस्सा बनता है, और हिस्सा भी किसलिए बनता है कि दिल्ली की जनता का सेवा कार्य करने के लिए। तो केजरीवाल एक साजिश कर रहा है कि नगर निगम का पैसा रोककर, सफाई कर्मचारियों का पैसा रोककर, डॉक्टर्स का पैसा रोककर, नर्सेस का पैसा रोककर, प्राथमिक स्कूल्स के अध्यापकों का पैसा रोककर दिल्ली की जनता का धोखा दे रहा है वो। इस संविधानिक व्यवस्था के तहत चलता है, सभी निगम हो, राज्यसभा, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसी व्यवस्था के तहत अलग अलग बजट सबका होता है। दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार है वो केवल कोरी झूठ की राजनीति कर रहे हैं, और नगर निगम में भाजपा की सरकार है, केवल जानबूझ के ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति जिससे दिल्ली की जनता परेशान हो, सुविधा ना ले पाए। वहाँ के जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सैलरी ना मिले, तो ऐसी ओछी राजनीति, जब आपके को अनुदान ही मांग रही नगर निगम, उस राशि को उसको जो व्यवस्था के तहत मिलनी चाहिए, जिनको समय पे शिक्षकों को वेतन मिले, सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। नागरिकों का पैसा नागरिकों की सुविधाओं के लिए होता है। जो एक सिस्टम बना हुआ है संविधान की धारा 243 के तहत, जो टैक्स रेवेन्यू बनता है एमसीडी का, वो देना चाहिए। नागरिकों का पैसा नागरिकों की सुविधाओं के लिए नहीं मिलेगा तो फिर उस पैसे का क्या फ़ायदा? जो 13,000 करोड़ रुपया केजरीवाल सरकार सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी हुई है, सारे काम रुके हुए हैं, पार्षदों को काम नहीं करने दिया जा रहा, लोगों को लगता है कि पार्षद काम नहीं कर रहे, जबकि लोगों को सच्चाई बताने के लिए समय उपवास करना पड़ रहा है। पार्षद ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के पास पैसा नहीं मिल पा रहा, डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिल पा रही, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही, सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल पा रही, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही। सबका जिम्मेवार सिर्फ केजरीवाल है। लॉकडाउन में एमसीडी ने काम किया, सफाई कर्मचारियों ने सफाई करी, डॉक्टर्स, टीचर, सब लोगों ने काम किया, ये लोग घर में बैठे रहे। ये वो मुख्यमंत्री है जो घर में गमले में पानी डाल के डेंगू खत्म कर देता है, सिर्फ विज्ञापन की राजनीति करता है। जो एमसीडी का पैसा है वो उसको देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। रोहतास नगर मंडल के कार्यकर्ताओं की माने तो उपवास के बाद यदि सरकार ने 13,000 करोड़ नहीं दिए तो इससे और अधिक प्रदर्शन करने को भाजपा तैयार है। भाजपा उन लाखों कर्मचारियों के साथ है जिनके घरों का चूल्हा जलने को मोहताज है। शिवानी बिष्ट, तेज निगाह, दिल्ली।